वही पलवल में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम में पंचायत ब्लॉक जिला परिषद में चुनकर आए नए जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। देवेंद्र बबली ने कहा कि मनरेगा में जिन अधिकारियों ने घोटाले किए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। नई पंचायतों से उन्हें उम्मीद है कि वे ईमानदारी के साथ गाँव का विकास करें। हरियाणा सरकार के द्वारा जल्दी सभी गाँव की फिरनी को पक्का करने और सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू किया जाएगा। पंचायत मंत्री ने साथ ही इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि सरकार के द्वारा 50% पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी दी गई है, लेकिन जनसंवाद में महिलाएं बेहद कम संख्या में पहुंची थी। मंत्री ने कहा कि कुर्सी तोड़ने वाले अधिकारियों के लिए उनके विभाग में कोई भी जगह नहीं है। हमारी पंचायतें हमारे ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो सदस्य चुनकर आए उनको बधाई देने के लिए और जो पंचायती राज जिला स्तरीय सम्मेलन और जनप्रतिनिधि संवाद प्रोग्राम हमने रखा, पूरे प्रदेश का ये प्रोग्राम है। आज उसी कड़ी में हम पलवल जिले में आए हैं कि हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधि सबसे पहले हम लोगों को बधाई देने का काम किया। पंचायती राज एक्ट के तहत जो उनके राइट्स हैं और जो सरकार ने योजनाएं परियोजनाएं बनाई उनके बारे में इनसे खुलकर चर्चा हुई है। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंने भी अभी हमारे जिला प्रशासन अधिकारियों से ये चर्चा की है कि जो प्रतिनिधियों हमने 50% दिया है उसका लाभ उन बहनों को मिले। वो अपने उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनलों के माध्यम से कि आप जिस पद के लिए आपको चुना गया है आप अपने पद पर स्वयं निर्वहन करें। हमारी